हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखिए हमारे गार्डन में कितने प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो देखिए वाइट रोज़ वाइट पिंक पे खिला हुआ है और तीनों फूल इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मतलब कैमरे में इतने अच्छे नहीं लग रहे जितने रियली में देखने में लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये ऊपर वाला जो सबसे पहले खिला था, ये देखिए इस पे पिंक पिंक कलर के जो है स्पॉट हो गए हैं। और इसके बाद ये वाला सबसे नया है, ये अभी खिला है। और सबसे पहले ऊपर वाला खिला था, फिर नीचे वाला, फिर बीच वाला। और ये देखिए ये वाले तो इतने सारे निकल रहे हैं ना, देखिए इतना प्यारा लग रहा है। इसमें निकला है देखिए एक ये वाला, और ये रिंकू ने बॉटल में लगा दिया है। और ये वाला देखिए, ये एक तो कितना प्यारा आया है, इसमें आधा कलर पिंक आया है और आधा कलर वो ऐसे आया है। इतना अच्छा लग रहा था ये देखने में, कैमरा तो ब्लर कर रहा है बट रियली में इतने प्यारे लग रहे थे। और ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, देखिए इतना अच्छा लग रहा था ना सच में, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊँ। तो ये देखिए, तो इस तरीके के फूल अगर निकले होना गार्डन में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए गार्डन बहुत देख लिया, अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। और ये देखिए एक दिन क्या हुआ था ना कि मैं वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाते बनाते ही दूध मेरा निकल गया, तो वो वीडियो मैंने शॉर्ट्स पे डाल दी और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो ऐसे ही मैं वीडियो बना रही थी, ऐसे कैमरा पकड़ के खड़ी हुई थी और दूध ऐसे ही इंडक्शन पे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए पावर ऑन हो जाती है, फिर ऑफ़ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है। तो जैसे ही पावर ऑन हुई तो ऑन इतनी तेज़ हुई कि वो पूरा दूध उबल करके बाहर आ गया, जैसे ये अभी आ रहा है और मैं इस तरीके से वीडियो शूट कर रही थी तो पूरा निकल गया। तो मुझे गुस्सा भी आया और कुछ हंसी भी। और इसके बाद देखिए साथ ही साथ मैंने यहाँ पर काट ली है लौकी। आज हम लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे, दो प्याज, दो हरी मिर्च और धनिया पत्ता। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप लौकी की सब्ज़ी कैसे बनाती हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैं दाल और लौकी की सब्ज़ी अधिकतर टाइम में बनाती हूँ बट आज टमाटर लौकी बना रही हूँ। चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने काट लिया है और अब यहाँ पर टमाटर काट लेती हूँ क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, बहुत जल्दी 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 करना पड़ता है। तो ये वैसे भी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम निकलता है। तो बस जल्दी जल्दी से सब्ज़ी यहाँ पर लगा देती हैं तड़का और फिर सब्ज़ी बनती रहेगी। इसके बाद में फिर हम दूसरे काम देख लेंगे साथ साथ में। तो बस सब्ज़ी यहाँ पर टमाटर मैं काट लेती हूँ और इस टाइम टमाटर अजीब से स्मेल वाले आ रहे हैं। इतना अच्छा टमाटर देखने में ऊपर से लगता है और काटते हैं तो अजीब सी स्मेल मारता है। तो बस टमाटर मैंने देख करके सारी सब्ज़ी को कट कर लिया है और यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मैं तड़का लगा दूँगी। इसके बाद हम घर के दूसरे काम करेंगे। तो आपने मेरे घर के काम वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया और यहाँ पर बर्तन भी देखिए मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है और पूरा क्लीन कर दिया है यहाँ पर। तो साथ साथ में मैं ये काम भी करती जाती हूँ, थोड़ा 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 करके धोती जाती हूँ और देखिए पूरा क्लीन करके रखती हूँ मैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि दीदी आपका घर का वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी काम से फ्री होकर के बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से बात कर ली जाए क्योंकि दो तीन दिन से जब भी मैं वीडियो एंड कर रही हूँ तो आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से आज बात कर ली जाए। और एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आज आपको देना है और उस क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है रियली में, जिस चीज़ का मैंने बहुत दिनों से इंतज़ार किया था। सालों निकल गया, मतलब एक से डेढ़ साल हो गया मुझे यूट्यूब पर आए हुए और रेगुलर मैं वीडियो डाल रही हूँ, ऐसा कोई दिन जाता है कि मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। तो इसीलिए आज मुझे ये बात बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा कमेंट इसके ऊपर आ रहे थे और काफ़ी दिनों से इसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं कि मेरी YouTube पेमेंट आ गई है कि नहीं आई है। तो रियली मैं ये क्वेश्चन पूछने लायक है और आंसर देना मैं चाहती हूँ और देते हुए बहुत ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि मतलब जिस चीज़ का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, इतने दिनों से मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत मैंने की है। जो लोग वीडियो बनाते हैं वो लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत हम लोग वीडियो बनाने में करते हैं। जो 10 मिनट की क्लिप हम लोग आप लोगों को लिए देते हैं दिन भर की, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और रियली मैंने बच्चों के साथ, पढ़ाई के साथ, घर के साथ,
साथ साथ ये वीडियो जो बनाना स्टार्ट किया है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और आप लोग जैसे कि वो तो ये है कि मतलब इतना ज़्यादा वीडियो मैं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज बंद है, और देखिए भगवान ने चाहा तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तब भी मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, और अब इस काम को छोड़ूंगी नहीं। और ये एक सपने के रूप में मैंने स्टार्ट किया था कि मतलब वीडियो मैं बनाऊँगी और शायद उससे पैसा आए, तो लेकिन ये सोच करके स्टार्ट किया था कि कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, कभी ना कभी तो आप लोग हमें पसंद करेंगे और मैं भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। तो रियली मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और देखिए उसका फल मुझे मिल गया है, मेरी YouTube पेमेंट आ गई है। और अभी मेरे को मेल वगैरह आया तो मुझे पता चला कि मेरी YouTube पेमेंट आ गई है, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझती हूँ। और ये वीडियो ऐसी तरीके से एंड करना चाहूँगी खुशी के साथ, और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग इसी तरीके से मुझे बहुत सारा प्यार देते रहें क्योंकि आप लोगों के प्यार की अब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली जितनी मेहनत मैंने YouTube पर की है ना, उतना जितना मैं एक्सेप्ट करती थी ना, मतलब उतना तो नहीं आया है, बट शुरुआत हो गई है। तो शुरुआत हो गई है, जब शुरुआत अच्छी हो तो एंड भी अच्छा ही होगा, और मैं इसी तरीके से मेहनत करती रहूँगी। बस आप अपना सपोर्ट और आशीर्वाद मुझे बहुत सारा दीजिएगा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाऊँ, और जो सपने मैंने देखे हैं वो सपने आपके द्वारा और आप लोगों की हेल्प से मैं पूरे कर पाऊँ। तो हाँ, ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी YouTube पेमेंट आ गई है, और कितनी आई है, कैसे आई है, वो मैं किसी और दिन बताऊँगी आपको क्योंकि ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। और बस इसी खुशी के साथ, मतलब बहुत डरती थी जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, हालांकि पढ़े लिखे लोगों में इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, फिर भी सोशल मीडिया पर आना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो बस मैंने जब फर्स्ट वीडियो, सबसे पहले मैं रेसिपी डालती थी, तो रेसिपी डालते डालते फिर रेसिपी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स और हम लोगों को पता भी नहीं रहता, और इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे रेसिपीज़ हम लोग बना भी नहीं पाते डेली डेली, क्या बनाएं रोज़ रोज़, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो कभी हम हिलकी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो कभी टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो कभी ये, और ये सब तो यूट्यूब पर नहीं चलता है। तो इसलिए मैंने कुछ दिन तक रेसिपी डाली, और इसके बाद में फिर मैंने सोचा कि रेसिपी बहुत हो गया है, ज़्यादा चल नहीं रहा था चैनल, तो मैंने फिर अपना ब्लॉग डालना स्टार्ट किया जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और फिर उसी दिन से मैं अपना ब्लॉग डालने लगी, और जब भी मतलब कोई दिन ऐसा गया होगा कि मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला, लेकिन मैंने जितनी मेहनत की है उसका फल भगवान मुझे ज़रूर देंगे, और आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मैं अपनी एजुकेशन को, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवार को, सबको एक साथ चला पाऊँ एक ही लाइन में, और कोई भी चीज़ में कमियाँ ज़्यादा ना हों। बस इसी के लिए आप लोगों का साथ मुझे चाहिए क्योंकि जितनी मेहनत मैं करती हूँ उतना रिप्लाई नहीं आता है, मतलब जितनी अच्छी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, जितनी अच्छी वीडियो मैं बनाती हूँ उतना रिप्लाई नहीं आता है। तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा, और आप अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा अच्छे लगते हों तो, और जो भी कमी है वो भी आप लोग बताइएगा, जो अच्छा है वो भी आप लोग बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड, और आज बहुत खुशी का दिन है, खुशी के साथ ही अपनी वीडियो का करूँगी एंड। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।